किया कि मोदी जी की तरह टाइम बॉन्ड कार्यक्रम, क्योंकि एनजीटी के ऑर्डर भी आ जाते हैं, टाइम बॉन्ड कार्यक्रम में भारतीय जनता परेशान है। और दूसरे शब्दों में सरकारी पैसे का मैं तो इसको दुरुपयोग मानूं। इतनी इन्होंने प्रेजेंटेशन दिए, सेमिनार करें, अब फरीदाबाद की धरती पे काम कर रहे हैं, फरीदाबाद का सारा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, पूरी सरकार आई हुई है, आपको सीवरेज मैनेजमेंट पे प्रेजेंटेशन देना था तो क्या आप फरीदाबाद का नहीं दे सकते थे? आपने गुड़गांव का यहाँ क्यों दिया? आपको फरीदाबाद का देना चाहिए था। जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम हम लोगों को भेजा गया, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था, चाहे सीवरेज मैनेजमेंट का था, इनके कार्ड पे भी छपा था कि प्रेजेंटेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। जो शहर के लोग इन्होंने बुलाए, जो अधिकारी यहाँ बुलाए, जो जो तकनीकल लोग, वैज्ञानिक लोग यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन देके गए थे, शहर की जनता उसमें अपनी राय देती, वो इन्होंने डिस्कशन हटा दिया। फिर ऐसे सेमिनारों को आयोजित करने का क्या फ़ायदा? सरकारी पैसे की मैं तो समझता हूँ एक तरीके से फिजूल खर्ची हुई है। और तीसरा, जब मुख्यमंत्री जी को खुद ही पता है, खुद ही तो समस्या पैदा करी। आज बनवाड़ी में कूड़े का पहाड़, पता भी है, समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? शुक्र है इसके लिए आज इन्होंने नेहरू जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, नहीं तो जो इनकी धारणा है ये कह देते बनवाड़ी का कूड़ा नेहरू जी की देन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया था कूड़े को लेके, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट हटाने का काम तो किया नहीं सरकार ने, पर वेल्थ कमाने का काम प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर खूब हो रहा है, शहर की जनता को लूटा जा रहा है, शहर की जनता से कूड़ा उठाने के नाम पे अवैध उगाही हो रही है। विधानसभा में हमने प्रश्न लगा लिए, कौन कर रहा होगा ये वो बता दें। इको ग्रीन कंपनी जिसको ठेका दे रखा है, सरकार आज तक टेंडर की कॉपी लेके नहीं आ रही। विधानसभा में हमने प्रश्न लगाया था, बड़ा स्पष्ट उस प्रश्न का हमें माननीय मंत्री ने जवाब दिया कि कूड़ा उठाना और उसका निष्पादन करना दोनों इको ग्रीन के काम है। और आज आप बनवाड़ी में जाके देख लिए, कूड़े का पहाड़ खड़ा हुआ है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप ही के समय ये इको ग्रीन को ठेका दिया हुआ है, आज 7-8 साल हो गए, भाजपा की सरकार ने अपने 8 वर्ष बढ़ा लिए सरकार के, 8 साल में क्या 8 किलो कूड़ा भी निष्पादित हुआ वहाँ पे? 8 यूनिट बिजली भी पैदा हुई, क्यों आप सरकारी साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। विधायक जी, मंच के ऊपर तमाम मुख्यमंत्री समेत तमाम चेयरमैन भी, कैबिनेट मिनिस्टर भी आए, लेकिन मंच से आपके नाम का संबोधन एक बार भी किसी ने नहीं किया, क्या मानते हैं? नहीं, मेरा क्या किसी भी विधायक का नहीं किया? ना, विधायकों का किया गया था। चलो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी जैसी, ये संबोधन ले ना ले, उसके कहने से नीरज शर्मा विधायक तो ऐसा नहीं है। नहीं, आप जिले के एकमात्र कांग्रेसी विधायक हैं, बावजूद इसके कभी ये स्टेज पे आपको बोलने से मना करते हैं, कभी नाम का उच्चारण नहीं लिया जाता, क्या चाहते हैं? देखिए, आपको भी पता हम गांधीवादी विचारधारा के हैं, ये लोग गौडसे जी की विचारधारा के, गांधी जी की विचारधारा को इस हिंदुस्तान में कोई नहीं मिटा सकता। अंग्रेजों के खिलाफ भी हमने ऐसी लड़ाई लड़ी थी, इनके खिलाफ भी ऐसी लड़ाई लड़ी। गांधी जी की विचारधारा तो ये थी, एक पे मार दिया, कीचड़ में पंचायत कर लिए, या तो मुख्यमंत्री जी कीचड़ हटवाएंगे मेरी विधानसभा से, नहीं हटवाएंगे, यही ऑडिटोरियम है, 20 तारीख को नीरज शर्मा कीचड़ स्नान करके आएगा, क्यों चिंता करते हो जी?